बड़ी खबर आपको बता दें हिमाचल प्रदेश से, जहां पर सीएम के समोसे को लेकर सीआई जांच, यहां पर सीआईडी जांच की जाएगी। सीएम के लिए लाए गए समोसे स्टाफ को सर्व किए जाने की जो जांच है वो यहां पर की जानी है। फाइव स्टार होटल से सीएम के लिए समोसे मंगवाए गए थे। सीआईडी कार्यालय में कार्यक्रम के दौरान सीएम के लिए समोसे आए थे। 3 बॉक्सेस में समोसे मंगाए गए थे और सीएम के बजाय स्टाफ को सर्व किए गए। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर जी, क्या जानकारी इससे जुड़ी हुई? देखिए, 21 अक्टूबर को सीआईडी कार्यालय में कार्यक्रम हुआ था और उसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिरकत की थी। वहां पर सीएम सुक्खू के लिए रेडिसन ब्लू होटल से समोसों के 3 बॉक्स मंगवाए गए थे, लेकिन जब कार्यक्रम खत्म हो गया और समोसे सर्व नहीं हुए तो जो सीआईडी विभाग के डीजी हैं उन्होंने ये बात पूछी कि सीएम के लिए आए हुए समोसे कहाँ गए, तो कहा गया कि वही वो तो उनके स्टाफ में बांट दिए गए थे। तो उन्होंने कहा सीएम को सर्व क्यों नहीं हुए, इस बात की जांच होनी चाहिए। 2-3 मैटर्स और थे, उसकी भी जांच ऑर्डर की गई। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? चौंकाने वाली बात ये है कि जो रिपोर्ट तैयार की गई उसमें ये सामने आया कि उनके स्टाफ को समोसे बांट गए थे। और इस पर जो पुलिस प्रमुख थे सीआईडी के, उन्होंने कमेंट ये किया कि ये एंटी गवर्नमेंट है और ये एंटी सीआईडी डिपार्टमेंट है। मतलब सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि भैया समोसे स्टाफ में बंट गए तो आखिरकार वो सरकार विरोधी या डिपार्टमेंट विरोधी कैसे हो गया? दूसरी बात जी, जो स्टाफ वाले आते हैं उसमें से भी बहुत सारे पुलिसकर्मी ही होते हैं, तो ये सरकार विरोधी कैसे हुआ? तीसरी बात यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा खाई है, सीआईडी डिपार्टमेंट में और जो पुलिस विभाग के डीजी हैं, चीफ ऑफ पुलिस स्टाफ है, उन दोनों के बीच में तालमेल की बड़ी कमी है और इन चीजों को लेकर वहां कई मामलों में पुलिस की फजीहती हो रही है। तो मुझे लगता है सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। ठीक, जगविंदर पटियाल जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो समोसे आखिर कहां गए थे ये तो सामने आ गया है, लेकिन जो रिपोर्ट में बातों का जिक्र किया गया है वो थोड़ी चौंकाने वाली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।